नमस्कार दोस्तों, मैं पायल आप सभी का स्वागत करती हूं कलर्स ऑफ किचन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। यहाँ मैंने कुछ उबले हुए आलू को ऐसे बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है, यानी एक आलू के आप चार टुकड़े कर सकते हैं। ये मीडियम साइज़ के आलू थे। अगर आपके पास छोटे छोटे आलू हैं तो आप वो ले लीजिए और उन्हें कट करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। और इसमें हम नमक डालेंगे, आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। आप उबालते वक्त भी नमक डालकर उबाल सकते हैं ताकि नमक इसके अंदर चले जाए। तो मैंने उबालते वक्त नहीं डाला है इसलिए मैं अभी डाल रही हूँ। और ये मैं हल्दी डाल रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच। और उसके बाद इन सबको हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के लिए इस तरह से हम रब कर लेंगे हल्दी और नमक को, जैसे कि हर एक आलू के पीस में ये अच्छे से कोट हो जाए। इसे आप हाथ से एक साथ नहीं मिक्स कीजिए, नहीं तो ये टूट टूट जाएगा। एक चम्मच से आप मिक्स कर सकते हैं या फिर इस तरह से डायरेक्ट रब कर सकते हैं पीस वाइज। तो ये मैंने मिक्स कर लिया। और यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 कप गाढ़ा दही। ये बिल्कुल फ्रेश दही है और मैं इसे अच्छे से फेंट ले रही हूँ। मैं यहाँ सरसों का तेल ले रही हूँ 3 चम्मच। इसे अच्छे से गर्म कर ले रही हूँ। अब इसमें कटे हुए आलू, जिसे हमने हल्दी और नमक के साथ कोट करके रखा था, वो ऐड करेंगे और इसे गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। इस तरह से हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे, देखिए। और उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इन आलुओं को हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और अब इसी पैन में हम 2 चम्मच तेल और लेंगे और उसे फिर अच्छे से गर्म करेंगे। मैंने 1 सूखा लाल मिर्च इसमें ऐड किया है अभी। अब मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच। और 1 तेज़पत्ते को मैंने तोड़ के रखा है वो डाला है। और 2 लौंग डाल दिया है मैंने और 1 हरी इलायची। इन सबको हमें थोड़ा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। ये फ्राई हो चुके हैं और इसमें अब हम ऐड करेंगे कटे हुए प्याज। 1 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने चॉप करके रखा हुआ था और इन्हें मैंने ऐड किया है। अब प्याज जैसे ही गोल्डन फ्राई हो जाए, इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। तो 1 चम्मच पेस्ट मैंने लिया है और इन सबको हमें 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। तो फ्लेम को अभी हम लो ही रखेंगे, हाई नहीं करेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच चीनी। इस चीनी से कलर भी आएगा और फ्लेवर भी। अब 1 मिनट तक सबको मैंने फ्राई कर लिया। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा टमाटर चॉप किया हुआ। और इसे थोड़ा गलने तक पकाना है। नमक डाल दिया है मैंने 1/2 छोटा चम्मच। अब जैसे ही टमाटर थोड़ा थोड़ा मैशी दिखने लगे, यानी कि गला हुआ दिखने लगे, तो हम फ्लेम को लो कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसके थिकनेस के लिए थोड़ा सा हम दही ऐड करेंगे जो फेंट कर रखा हुआ था हमने। इससे ग्रेवी थिक बनेगी। आप यहाँ पे दही के जगह काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सबको हमें तेल छोड़ने तक फ्राई करना है। दही को डालने के बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स किया है। अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो फटा हुआ लगेगा आपको ग्रेवी, इसलिए अच्छे से मिक्स कीजिए और फिर फ्राई कीजिए इन सबको। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था। तो दोस्तों, हमने इसमें धनिया पाउडर या फिर काला मिर्च का पाउडर ये सब नहीं ऐड किया है। और आलू डालने के बाद मैंने इसे 1 मिनट के लिए फ्राई किया सभी मसालों के साथ, ताकि मसालों का फ्लेवर आलू में अच्छे से आ जाए। और इसके बाद मैंने इसमें 1 कप पानी डाला है। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं इसे उबलते हुए और ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है। ग्रेवी अच्छी थिक है। अगर आपको पतली ग्रेवी चाहिए तो आप और थोड़ा ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कीजिए। और ये मैंने 1/4 चम्मच देसी घी डाला है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और इसे थोड़ा सा मिक्स कर ले रही हूँ। और अब मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और इसे उतार लेती हूँ। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डालकर मिक्स कर देंगे और ये बिल्कुल तैयार है। आप इसे कचौड़ी के साथ या पूड़ी के साथ खाइए या फिर राइस के साथ खाइए, आपको अच्छा लगेगा।
वैसे तो आलू दम का बनना हर एक घर के लिए बिल्कुल साधारण सी बात है, लेकिन इसे थोड़ा सा टेस्टी बनाने की कोशिश कीजिए तो बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी लाइफ एंड ब्यूटीफुल लाइफ। बाय बाय।